हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है कि हमने यूट्यूब से अर्निंग कैसे उठानी है, यूट्यूब एडसेंस का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और एडसेंस के अकाउंट बनाने के बाद एडसेंस में इनकम किस तरीके से शो होती है और इनकम $100 पूरे हो जाने के बाद आपने उसको किस तरीके से निकालना है, वेस्टर्न यूनियन से निकालना है या बैंक से निकालना है। एक बात नोट कर लें, आपकी YouTube की अर्निंग तभी होगी जब आपके पास 1,000 सब्सक्राइबर और 40,000 4,000 वॉच टाइम होगा, यानी कि 2,40,000 मिनट। बाकी आप डिटेल लेक्चर मेरा जो अब स्टार्ट हो रहा है इसको गौर से सुनिए ताकि आप लोगों को कंप्लीट कोर्स की समझ आ जाए। दोस्तों, अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके सामने डैशबोर्ड आ रहा है और डैशबोर्ड में आने के बाद आप आएंगे अदर फीचर्स में। अदर फीचर्स में सबसे पहले आप यहां पर क्लिक करेंगे स्टेटस एंड फीचर्स के अंदर। तो दोस्तों, आप जैसे ही स्टेटस एंड फीचर्स के अंदर क्लिक करेंगे तो दो से तीन चीजें आपके जेहन में होनी चाहिए कि अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए, फीचर इमेज आपकी लगी होनी चाहिए, तब आप मोनिटाइजेशन को ऑन कर सकते हैं। तो आप देखें जी, मोनिटाइजेशन वो कह रहा है बिकम अ पार्टनर, मतलब आप यूट्यूब का पार्टनर, जो लोग कमाते हैं यूट्यूब से वो यूट्यूब के पार्टनर होते हैं। जो लोग अपने पार्टनर बनना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब के, तो आप इसको एनेबल करें। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि अपनी मोनेटाइजेशन, ये कुछ लोगों के पास डिसेबल आ रही होगी, एनेबल नहीं होगी, यानी कि इन एलिजिबल आ रही होगी। उसका रीजन है कि उन्होंने चैनल को वेरीफाई नहीं किया होगा या अपनी फीचर इमेज नहीं लगाई होगी या सही से काम नहीं किया होगा। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पर एनेबल पर क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों, जैसे ही मैं एनेबल पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं वो मेरे को एक नए जो है उसके ऊपर ले आया है, एक नए विंडो पे ले आया। उसमें वो कह रहा है कि अगर आपने मोनेटाइजेशन, सबसे पहले वो मुझे वार्न कर रहा है, कह रहा है कि अगर आपने मोनेटाइजेशन यानी कि गूगल यूट्यूब से कमाना है तो आपके पास लास्ट 12 यानी कि एक साल के अंदर 1,000 सब्सक्राइबर आपके पास होना चाहिए और 4,000 घंटे आपका वॉच टाइम पूरा होना चाहिए, तब आप अप्लाई करें, वरना वेट करें, पहले इस टारगेट को पूरा करें उसके बाद आप अप्लाई करें। तो दोस्तों, हमारा जो टारगेट है वो हम फिलहाल इसको अप्लाई करते हैं ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं बेसिकली आपने अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है रीड एंड एग्री टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम्स टर्म्स। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको स्टार्ट करूंगा। जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा तो यूट्यूब मुझे अपनी शराइत बता रहा है कि अगर आपने यूट्यूब से कमाना है तो इन इन पॉलिसीज पर आपने अमल करना है। इसमें वही बातें हैं कि आपने किसी का डाटा कॉपी नहीं करना, अपना काम यूनिक करना है, सिर्फ तस्वीरों वाली वीडियोस नहीं चलानी। तो ये सारी चीजें YouTube की पॉलिसी में, आप फिर भी इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 1, 2, 3 इन तीनों पे चेक लगाऊंगा और मैं इनको बता रहा हूं कि मैं जो YouTube की पॉलिसी है मैं इसको एग्री कर रहा हूं। उसके बाद मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे स्टेप 1 से स्टेप 2 पे ले आएगा। अब देखें जी, सबसे पहले आपने मोनिटाइजेशन ऑन कर ली। जैसे ही आपने मोनिटाइजेशन को ऑन किया आप सेकंड स्टेप पे आ गए, फर्स्ट स्टेप पर आपका टिक लग चुका है। अब जो दूसरा स्टेप है वो है साइन अप फॉर एडसेंस, कि आप एडसेंस के अकाउंट में साइन अप करें। साइन अप से क्या मतलब, जैसे आपने फेसबुक का अकाउंट बनाना होता तो पहले आप साइन अप करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद आप इंटर होते हैं। साइन अप ये एडसेंस के अकाउंट को क्यों कह रहा है एनेबल करने में, वो इस वजह से कह रहा है क्योंकि यूट्यूब की जितनी भी इनकम है वो आपके गूगल एडसेंस के अकाउंट में जाती है। गूगल एडसेंस क्या चीज है मैं आपको यहां पर खोल के दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूं यहां पर गूगल, जितने भी लोग हैं दुनिया के अंदर जो गूगल से कमाते हैं वो गूगल एडसेंस के थ्रू कमाते हैं। ये गूगल एडसेंस की वेबसाइट है ऑफिशियल, यहां से आप इसको क्लिक करके इस वेबसाइट को पूरा रीड कर सकते हैं। ये जमाने से चलती हुई आ रही है और गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये किसी लोकल बंदे की वेबसाइट नहीं है या कोई बंद होने वाली या भागने वाली साइट नहीं है भाई, ये बात ऑफिशियल वेबसाइट है गूगल की। आप दुनिया से चले जाएंगे लेकिन ये साइट पड़ी होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो साइट है बेसिकली हम इसके ऊपर साइन अप कर रहे हैं और इसके ऊपर हम अपना अकाउंट जो है वो बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके आपको मजीद इसकी डिटेल वगैरह देता हूं कि गेट स्टार्टेड करना तो एक इस तरीके का आपके पास प्लेटफॉर्म आ रहा है, हम डायरेक्ट गूगल से गए थे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने लिंक से साइन अप फॉर एडसेंस मैं इस पर आकर स्टार्ट पे क्लिक करूंगा। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद वो मुझे कह रहा है यू विल बी रीडायरेक्ट टू एडसेंस, कि वो आपको एडसेंस के पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा जहां पर आप अकाउंट को क्रिएट करेंगे। यू विल बी रीडायरेक्ट टू एडसेंस टू लिंक यूर एग्जैक्टिंग अमाउंट अकाउंट। वो कह रहा है कि अगर आपके पास एडसेंस का अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप करें, और अगर आपके पास पहले से कोई एडसेंस का अकाउंट है तो आप उसमें जस्ट लॉग इन करें।
दोस्तों एक बात आपने ख्याल रखनी है, एक पीसी पे अगर आपने दो अकाउंट बनाए एडसेंस के तो दोनों अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे। एक पीसी पे दो अकाउंट बनाए तो दोनों ब्लॉक हो। फॉर एग्जांपल एक अकाउंट में आपके $600 की इनकम थी और दूसरा आपने एक और अकाउंट बना दिया, तो भाई आपके $600 वाला भी अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा और जो दूसरा आपने नया बनाया वो भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। यूट्यूब और गूगल एडसेंस जो है इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, ये एक कंप्यूटर पर एक अकाउंट अलाउ करता है, एक कंप्यूटर पर दो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल एक घर में आपकी एक सिस्टर काम कर रही है, आप काम कर रहे हैं, आपकी बड़ा भाई काम कर रहा है, तो भाई आप तीनों ने गूगल एडसेंस का एक ही अकाउंट यूज करना है, उसमें अपने अपने यूट्यूब चैनल को लगा दें। एक यूट्यूब में 500 चैनल लगा सकते हैं आप, 500 वेबसाइट लगा सकते हैं आप उसी अकाउंट के अंदर। आपने ऐसा नहीं करना कि अलग-अलग अकाउंट बना देने, तो वो वायलेट हो जाएगा गूगल की पॉलिसी का और वो आपको डिसअप्रूव करके आपके सारे अकाउंट बैन कर देगा और आपके आईपी एड्रेस को और आपके आईडी कार्ड को ब्लॉक कर देगा, तो आप नेक्स्ट टाइम जिंदगी में इसका अकाउंट नहीं बना सकेंगे। क्योंकि उसको देने के आपके कंप्यूटर, फिर आपको इंटरनेट का कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा, तो ये सारे प्रोसेस आपको करने पड़ेंगे, फिर आप दोबारा से बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे अकाउंट को क्रिएट करने के लिए, आप देख रहे हैं यहां पर नेक्स्ट का बटन आ रहा है, मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूं। तो मैं जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूंगा वो मुझे कहेगा कि आप किस अकाउंट से साइन इन होना चाहते हैं, मतलब आप किस जीमेल के ऊपर अपना ये एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं ताकि ये बार बार उसी जीमेल से खुले। अब मैं इस वाली ईमेल से ले लेता हूं, तो आपके पास जो भी ईमेल है जिस पे आप बनाना चाहते हैं आप वो ईमेल डालेंगे। अच्छा अब वो जैसे ही मैंने वो ईमेल डाला तो मेरी जो ईमेल थी arslangondalpakistan@gmail पे थी और मुझे इसका पासवर्ड मालूम है क्योंकि मेरा अकाउंट क्रिएट है। अब वो कहता है ये देखें ये जो मेरा यूट्यूब का जो यूआरएल है ना ये वाला, ये इसने ऑटोमेटिक कैच कर लिया, ये कौन सा यूआरएल है, ये आप देख सकते हैं कि ये आपकी प्रोफाइल यूआरएल है, ये ऑटोमेटिक इसने कैच कर लिया आपके यूट्यूब के चैनल है। ये देखें जी आर, ये वाला यू आखिर में आ रहा है आरडब्ल्यू, ये देखें आखिर में आ रहा है आरडब्ल्यू, तो इसने ऑटोमेटिक आपका जो यूआरएल है वो कैच कर लिया गूगल एडसेंस ने। अच्छा अब मैं क्या करूंगा यहां से इसको यस कर दूंगा, सिलेक्ट कंट्री क्या करूंगा, सिलेक्ट कंट्री में कर देता हूं पाकिस्तान, जो आपका कंट्री है आपने वो ही कंट्री सिलेक्ट करना है। यहां पर एक भी इंफॉर्मेशन गलत डालेंगे आप अर्निंग अप्रूव नहीं होगी, क्योंकि गूगल एडसेंस की आगे भी मजीद पॉलिसीज है, मैं आप लोगों को समझा देता हूं। अच्छा अब आपने जैसे ही पाकिस्तान सेलेक्ट किया और उसके बाद आप यस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे मैं क्लिक करने के बाद क्रिएट अकाउंट पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि गूगल एडसेंस का अकाउंट आप क्रिएट कर चुके हैं और मजे की बात यह कि वो आपको कह रहा है गेट स्टार्टेड। अब आप इस पर क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जनाब आपके पास गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट हो चुका है और वो आपके YouTube के अकाउंट के साथ लिंक भी हो चुका है। पहली चीज हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले मोनेटाइजेशन को अनेबल किया, सेकंड नंबर पे हमने क्या किया, हमने एडसेंस का अकाउंट क्रिएट किया। क्रिएट से क्या, क्रिएट आपने कैसे किया, आपने अपने जीमेल से उसके अंदर साइन इन कर लिया। अगर आपके पास जीमेल नहीं है तो आप क्रिएट करें, जिस जीमेल से साइन इन करेंगे उस ईमेल पे ही वो अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा, तो बार बार आपको उसी वाली ईमेल से आपको लॉगिन होना पड़ेगा। अब देखें जी इसकी कुछ सेटिंग्स आ रही हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपके पास फर्स्ट सेकंड आ रही है अकाउंट टाइप, इसमें आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, बिजनेस नहीं करना। फिर वो आपको कह रहा है नेम, अच्छा जी दो बातों का ख्याल रखना है, वो आपसे नेम और एड्रेस पूछ रहा है। अगर जिस बंदे ने यहां पर गलती कर दी ना तो वो YouTube से $10,000 भी कमा रहा है तो उसको इनकम रिसीव नहीं होगी। यहां पर आपने वही नेम लिखना है जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर है। फॉर एग्जांपल मेरे आईडी कार्ड पे नाम लिखा हुआ है किरण खान, तो मैं बिल्कुल एक्यूरेट स्पेल देखकर अपना नाम लिखूंगा। अब जो मेरे आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस है या फिर जो एड्रेस मेरे यूटिलिटी बिल के ऊपर आ रहा है, बिजली के बिल के ऊपर आ रहा है, या मेरे पासपोर्ट के ऊपर एड्रेस आ रहा है, या आपका कोई भी एड्रेस, अगर फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट्स है, कुछ लोग होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्रिएट उनके पास ना एड्रेस होता है ना आईडी कार्ड होता है, तो वो अपने मामा और पापा के आईडी कार्ड के ऊपर अकाउंट बनाए और अपने घर का बिल लेकर अपना एक्यूरेट आपने एड्रेस डालना है। फॉर एग्जांपल मेरा जो एड्रेस है मैं लिखता हूं मेरे बिल के ऊपर स्ट्रीट नंबर 4 हाउस नंबर 8 सरगोधा पाकिस्तान, ये मेरा एड्रेस था फॉर एग्जांपल। ठीक है जी ये मेरा एड्रेस हो गया। अब एड्रेस लाइन 2 में अगर आपका एड्रेस लंबा है तो आप लंबा डाल सकते हैं, सिटी में लिख देता हूं जी सरगोधा, ये आपने एक्यूरेट डिटेल डालनी है, पोस्टल कोड है फॉर एग्जांपल 7575। ठीक है
ये जो आपने एक्यूरेट, अगर यहां पर आपने पोस्टल कोड गलत डाला, यहां पर आपने एड्रेस लाइन गलत डाली, यहां पे अपना नाम, यहां पर पहली चीज जो नेम आपके आईडी कार्ड पे चल रहा है आपने वो नेम डालना है आईडी कार्ड के ऊपर, क्योंकि पेमेंट जो आपने रिसीव करनी होगी वो अपने नाम पे करनी होगी, अपने फादर के नाम पे कर सकते हैं, मदर के नाम पे कर सकते हैं। देखिए जी, इसकी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको आपके एड्रेस के ऊपर गूगल एक चार नंबरों की पिन भेजेगा, वो पिन इसी एड्रेस पे भेजेगा, इस वजह से जो एड्रेस आपने डालना है वो बिल्कुल एक्यूरेट डालना है। अब मैंने क्या किया, एड्रेस डाला, अपना नाम लिख दिया। अच्छा एक बात और, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के पास आईडी कार्ड है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तब भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपके पास आईडी कार्ड है और पासपोर्ट है तब भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपके पास सिर्फ आईडी कार्ड है तो कोई बिल आपके पास नाम पे है तो भी काम हो जाएगा। अच्छा अब आपने क्या करना है, नाम लिख दिया किरण खान, मेरा आईडी कार्ड पे फॉर एग्जांपल था किरण खान, और मैं एड्रेस अपना ये डाल देता हूं, मेरा पोस्टल कोड ये था, पोस्टल कोड या गया सिटी मेरा सरगोधा था, फोन नंबर फिलहाल मैं बाद में डाल सकता हूं। अब मैं इसको क्या करूंगा जी, सबमिट। तो मैं इसको जैसे ही सबमिट करूंगा वो मुझे क्या करेगा, रीडायरेक्टिंग टू योर होस्ट, वो मुझे दोबारा से मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। मैं इस पर क्लिक करता हूं तो वो मुझे जनाब वापस उसने यूट्यूब के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया। अच्छा अब वो देख रहे हैं कि वो यूट्यूब के ऊपर रीडायरेक्ट। अब सबसे पहले जी हमने क्या किया, हमने सबसे पहले YouTube को की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया, दूसरे नंबर पे हमने YouTube एडसेंस का अकाउंट क्रिएट किया, अब थर्ड नंबर पे हमने YouTube की मोनेटाइजेशन सेट करनी। हम बताना चाहते हैं कि हमारी वीडियोस पर एड कहां कहां पर लगे, मैं इस पर स्टार्ट पर क्लिक करूंगा। तो जी सबसे पहले आप देख सकते हैं वो आपको बता रहा है, यूट्यूब कहता है कि भाई डिस्प्ले एड डेस्कटॉप ओनली रिक्वायर्ड। ये जो आप देख रहे हैं कि आपकी वीडियो है इसके राइट साइड पे एड लगेगा, ये जो रेड कलर आपको शो कर रहा है। फिर ये बता रहा है अगर आप ओवरले ऐड लगाना चाहते हैं तो ओवरले, मतलब कोई भी वीडियो आपकी चलेगी तो वीडियो के ऊपर ये देख रहे हैं रेड कलर है, इस तरीके से आपकी वीडियो पर ऐड शो होगा। फिर इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपकी वीडियो के साइड बार में आपकी वीडियो में ऐड शो हो रहा होगा। फिर स्किपेबल वीडियो, फॉर एग्जाम्पल कोई जब भी आपकी वीडियो ओपन होगी तो कोई ना कोई आपकी वीडियो चलने से पहले आप ऐड आ जाएगा किसी भी कंपनी का, और आप उसको स्किप कर सकते हैं या कोई भी लोग उसको स्किप करके फिर आपकी वीडियो चलेगी। तो ये चार फॉर्मेट यूट्यूब बता रहा है कि इस तरीके से आपकी वीडियोज पर एड्स लगेंगे। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको सेव करूंगा। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा कि मेरी वीडियोस पे ऐसे ऐसे ऐड लगे, तो जनाब जैसे ही सेव किया तो उसने मुझे यूट्यूब की पॉलिसी पर ले आया। अब वो मुझे कह रहा है जनाब आपके चैनल पर इस टाइम एक भी सब्सक्राइबर नहीं है और वॉच टाइम आपका जीरो है, पहले आप इसको पूरा करें। अब हमने ये सारा काम कर लिया जी, ठीक है, एडसेंस का अकाउंट भी क्रिएट हो गया हमारा, मोनेटाइजेशन भी हमने ऑन कर ली। इसके साथ अब हमने क्या करना है, अपनी वीडियोस को पॉपुलर करना है, 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, 1000 सब्सक्राइबर ये 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है ये पूरा करना है। तो दोस्तों जैसे ये वॉच टाइम आपका पूरा हो जाएगा आपकी एप्लीकेशन गूगल की टीम को चली जाएगी, फिर गूगल की जो टीम है वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी कि क्या आपके चैनल पे ठीक काम हुआ है। विद इन 1 वीक और 2 वीक वो आपके चैनल को प्रॉपर चेक करके आपको मेल कर देगी कि जी आपका चैनल अप्रूव हो गया अगर आपने बिल्कुल यूनिक काम किया, लेकिन अगर आपने कॉपीराइट या डाटा किसी का चोरी करके काम किया तो डिसअप्रूव हो जाएगा आपका चैनल। तो आपका जैसे ही चैनल अप्रूव होगा आपको मेल भी आ जाएगी, और मेल ईमेल एड्रेस किस पे आएगी, जिस ईमेल पर आपने ये जीमेल इसका अकाउंट क्रिएट किया हुआ यूट्यूब का। तो दोस्तों जैसे ही अब आप क्या करेंगे, अब आप इस चीज को बंद कर देंगे, आपने हर चीज क्रिएट कर दी, अब आपने अपना ये टारगेट पूरा करना है 1000 सब्सक्राइबर वाला और 4000 आपके जो वॉच मिनट है आपने इसको पूरा करना है। 4000 घंटे का मतलब होता है 240000 मिनट आपकी वीडियोस चले, ठीक है, टोटल कोई भी आपके चैनल में 50 वीडियोस है ना, उन सारों का टोटल टाइम मिलाकर 240000 मिनट बनेगी, आपका चैनल अर्निंग के लिए अप्रूव हो जाएगा मैक्सिमम विद इन 2 मिनट अगर आपने काम यूनिक किया हुआ। तो दोस्तों ये थी कि आपने अर्निंग के लिए किस तरीके से जाना है। अब मैं वापसी आता हूं अपने यूट्यूब स्टूडियो बीटा के ऊपर। अब आपने क्या क्या किया था, आपने यूट्यूब का अकाउंट क्रिएट किया था और साथ एडसेंस का अकाउंट क्रिएट किया, वहां पे अपने नाम लिखा कि मेरे किस नाम पर मुझे जो एडसेंस है वो पेमेंट इशू करे। अच्छा अब हमने ये तो क्रिएट कर लिया, अब आपको कैसे पता लगेगा कि भाई अब मैं आगे क्या कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आए दोबारा से, अब आप देखें मोनेटाइजेशन जहां तक आप पहुंचे थे वो आपको बता रहा है कि जी आपका YouTube पार्टनर प्रोग्राम भी अप्रूव हो गया, आपका एडसेंस का अकाउंट भी हो गया, मोनेटाइजेशन भी आपकी ऑन हो गई, हर चीज आपकी इसके साथ अटैच होगी। अब फॉर एग्जांपल दोस्तों
मैं क्या करता हूं, मैं इन सारी चीजों को बंद कर देता हूं। आपका YouTube पर जो अकाउंट था वो एडसेंस के साथ अटैच हो चुका है, मैं इन सारी चीजों को फॉर एग्जांपल लॉग आउट कर देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ अपना एडसेंस का अकाउंट खोलूंगा, YouTube नहीं खोलूंगा, सिर्फ एडसेंस का अकाउंट खोलूंगा ताकि आपको मालूम हो सके कि मेरा जो एडसेंस का अकाउंट है उसमें क्या क्या कुछ हो रहा है। अब मैं यहां पर लिखता हूं गूगल में, क्योंकि हमने एडसेंस का अकाउंट क्रिएट किया यूट्यूब पर जाकर, मैं यहां पर लिखता हूं गूगल एडसेंस। ठीक है जी, गूगल एडसेंस मैंने आपको देखें अर्न मनी फ्रॉम वेबसाइट मोनिटाइजेशन। अब वेबसाइट से यूट्यूब, अब मैं इसको क्लिक करता हूं, जो ईमेल से मैंने साइन इन किया था, यानी कि जो ईमेल मेरी यूट्यूब पर चल रही है जिससे मैंने साइन इन किया था, मैं उसी से दोबारा, जिस ईमेल पे एडसेंस बनाएंगे उसी ईमेल पे आप दोबारा साइन इन करेंगे। मैं ये करूंगा इसके अंदर जी, मैं यहां पे आने के बाद अपना पासवर्ड लिख लूंगा, और पासवर्ड लिखने के बाद मैं नेक्स्ट करूंगा। तो आप देख सकते हैं जी, पहले मैं यूट्यूब के जरिए से एडसेंस पे आया था, लेकिन अब मैं डायरेक्ट अपने एडसेंस के अकाउंट के ऊपर आ जाऊंगा। अब होगा क्या जी, सिंपल सा देखें, दिस यूजली टेक अ फी डे बट इन सम केस टेक अप टू 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 वीक, वी विल नोटिफाई व्हेन यू एवरीथिंग रेडी देन स्टार्ट अर्निंग मनी बाय प्लेसिंग एड। अब वो कह रहा है कि जी आपकी जो यूट्यूब की भी अर्निंग है वो क्या है, वो अप्रूव नहीं हुई, जिसकी वजह से इसने आपके बाकी के जो ऑप्शन हैं इसको ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है जी, आपके जितने भी बाकी ऑप्शन हैं इसने आपके ब्लॉक किए हुए। ये क्यों ब्लॉक किए हुए, क्योंकि आपकी YouTube की जो अभी तक अर्निंग का टारगेट है वो पूरा नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपकी अर्निंग का जैसे ही टारगेट पूरा हो जाएगा उसके बाद आपके ये सारे जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे, आपका जो एडसेंस का अकाउंट है इसमें इनकम शो होने लग जाएगी। और सबसे मजे की बात यह होगी, जब आपके YouTube से $10 पूरे हो जाएंगे और वहां से YouTube ट्रांजेक्शन करेगा अपने Google AdSense के अकाउंट में, YouTube से $10 आपके पूरे हुए, वो आपके $10 आपके AdSense के अकाउंट में पूरे करेगा। जैसे ही $10 आपके पूरे हो जाएंगे तो Google AdSense जो है वो आपके एड्रेस पर एक 4 नंबरों की पिन भेजेगा कि मालूम करने के लिए क्या वाकई ये किरण खान है जिसने अपने नाम पर अकाउंट बनाया। अब वो एड्रेस पिन जो होगी आपको पोस्टल को एड्रेस के जरिए से आपको रिसीव हो जाएगी। एक बार रिसीव होगी, हो सकता है ना हो, गूगल आप दूसरी बार भेजेगा, तीसरी बार भेजेगा, अगर तीनों बार में आपको पिन रिसीव एक बारी में भी हो जाती है वो पिन डालेंगे, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाई होगा, आपके अकाउंट में जब $100 पूरे हो जाएंगे, आप आईडी कार्ड लेकर वेस्टर्न यूनियन पे जाएंगे और अपनी पेमेंट को एडसेंस के जरिए से निकाल लेंगे। अब मैं आपको अपने गूगल एडसेंस का एक अकाउंट है उसके ऊपर ओवरव्यू देता हूं कि आपके पास ये ऑप्शन ब्लॉक आ रहे होंगे, लेकिन मेरे पास ऑप्शन बिल्कुल ऑन होंगे क्योंकि मेरी जो अर्निंग है वो अप्रूव है। ठीक है, एक छोटा सा अकाउंट आपको अपना दिखाता हूं कि मेरी जो अर्निंग है वो अप्रूव है और उसमें किस तरीके से मेरा जो एडसेंस है वो शो हो रहा है। तो दोस्तों, जब आपके पास गूगल पिन भेजेगा वो पिन आप डालेंगे, आपका एड्रेस वेरीफाई हो, फॉर एग्जांपल आपके एड्रेस पर पिन नहीं आती या कोई एड्रेस का इशू होता है, 2-3 बार आपके एड्रेस पर पिन नहीं आती, 45 डेज का आपके पास टाइम होता है, 45 डेज के बाद आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल, अपना पासपोर्ट, अपना आईडी कार्ड के साथ अपलोड कर देते हैं, आपका चैनल वेरीफाई हो जाता है। तो इसी वजह से आपने एडसेंस का अकाउंट बनाते वक्त ही ख्याल करना है कि किसी गलत नाम पर एडसेंस का अकाउंट ना बना दें, अपने रियल नाम पे बनाएं, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो अपने मदर और अपने फादर के नाम पर अपने अकाउंट्स बना लें, क्योंकि उनके पास लाजमी आईडी कार्ड भी होगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा, पासपोर्ट होगा, या फिर कोई घर का बिजली का बिल होगा, तो कोई भी 2 चीजें होंगी तो अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो मेन पर्पस खत्म हो चुका है। अब मैं आपको वो अपने गूगल एडसेंस पर ले जाकर दिखाऊंगा कि हमने गूगल एडसेंस पर किस किस तरीके से हमें अर्निंग शो हो रही होती है और किस किस तरीके से हम गूगल एडसेंस से अर्निंग को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपके सामने मेरा गूगल एडसेंस का अकाउंट लॉगिन है और आपके पास ये ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं थे क्योंकि आपका जो टारगेट था वो अप्रूव नहीं था, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो अप्रूव है। दोस्तों, ये आप चेक कर सकते हैं कि मेरा एक एडसेंस का अकाउंट है जिसमें मैंने लास्ट पेमेंट रिसीव की $103.15, मेरा जो बैलेंस है इस टाइम वो 20.70 सेंट है, यानी कि $20.70 है। इस महीने के अंदर मेरी जो वेबसाइट से अर्निंग है वो 0.38 है अभी तक। ये यहाँ पर जो भी अर्निंग शो होगी ये वेबसाइट की अर्निंग शो होगी, यहाँ पे यूट्यूब की अर्निंग शो नहीं होगी,
यूट्यूब की अर्निंग पूरे मंथ में एक बार पूरी ट्रांजेक्शन आके गूगल इसमें आपके बैलेंस में आके शामिल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं अपनी पेमेंट्स में आ जाता हूँ और पेमेंट्स में आने के बाद वो मुझे दिखा रहा है कि अभी तक मेरे अकाउंट में जब तक $100 पूरे नहीं होंगे मैं नहीं निकाल सकता, $20 मेरे अकाउंट में आ चुके हैं लेकिन बाकी पेमेंट्स भी आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब की पेमेंट आपके गूगल अकाउंट्स में कैसे आती है, मैं ट्रांजेक्शन्स पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए। अच्छा जी, ट्रांजेक्शन पे क्लिक करने के बाद मैं नीचे आ जाता हूँ तो ये देखें, ये आपको बता रहा है अर्निंग यूट्यूब। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को बासानी नजर आए, ये देखें अर्निंग यूट्यूब। यूट्यूब की जो अर्निंग आई वो कितनी आई, $20 प्लस 44 सेंट, $20 की इनकम आई मेरी, जो कि मेरे बैलेंस में आकर ऐड हो गई। ये जो आप नीचे इनकम देख रहे हैं ये यूट्यूब की इनकम नहीं है, ये वेबसाइट की इनकम है जो कि आ रही है, ठीक है, इसको कहते हैं यूट्यूब की इनकम। अच्छा बेसिकली ये आप चेक कर सकते हैं कि मुझे पेमेंट रिसीव हुई वेस्टर्न यूनियन के जरिए से, जो कि मैंने लास्ट मंथ रिसीव की थी, उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि यूट्यूब से पेमेंट कैसे मिलती है। तो दोस्तों जब आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट प्रॉपर तौर पर अप्रूव हो जाता है, अप्रूव होने के बाद आपके अकाउंट में $100 जमा होते हैं, आपको जब जब $100 से अगर एक सेंट भी नीचे होगा तो पेमेंट इशू नहीं होगी। जिस महीने आपके 22 तारीख से पहले पहले $100 पूरे हो जाएंगे उससे नेक्स्ट मंथ आपको जो पेमेंट है वो इशू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक इस तरीके से गूगल एडसेंस मुझे एक पिन देता है, ये मुझे वेस्टर्न यूनियन की MTCN नंबर मुझे प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है मुझे, ये मुझे प्रोवाइड करता है गूगल एडसेंस, और मेरी जो पेमेंट है वो सिंगापुर से निकलती है $103, जो कि इस टाइम कम से कम 16,000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। तो दोस्तों ये एक सिंपल सी चीज़ है, इस तरीके से आपने एडसेंस का अकाउंट बनाना होता है और पेमेंट आपने रिसीव करी होती है। तो ये जो MTCN नंबर आपको मिलता है 2, 4, 6, 8, 10 नंबरों का जो MTCN नंबर मिलता है, ये आपने लेकर जाना होता है वेस्टर्न यूनियन के पास। ये जो आपकी पेमेंट आई होती है ये वाली, आप इसको बासानी विड्रॉ कर सकते हैं पाकिस्तानी रुपीस के अंदर।